गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज संडे है। आज मैं आप लोग के साथ मिनी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह ना सबसे पहले उठ के भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फ्रेश होके मैं गर्म पानी पीती हूँ 2 गिलास, उसके बाद घर के कामों में लग जाती हूँ। सारा डस्टिंग वगैरह करने के बाद अभी मैं कपड़े समेट रही हूँ, क्योंकि ना मुंबई में भी बारिश हो रही है ना, कपड़े भी जल्दी सूखते नहीं हैं। तो रात में मैंने पूरे हॉल में ही फैला दिया था, अभी सूख गए हैं सारे। तो बस अभी मैं उसको ही समेट रही हूँ, और सारा काम करने के बाद मैं नहाने चल जाती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ देखिए, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर मैंने कट कर लिया है, क्योंकि मैं अभी ना आटे का पिज्ज़ा बना रही हूँ, जो इंस्टेंट है, झटपट बन के तैयार हो जाता है, कोई आटा गूंदने की भी झंझट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और पानी डालकर थोड़ा थोड़ा मैं इसमें गाढ़ा घोल तैयार कर ली। उसके बाद खाने वाला मीठा सोडा भी डाल दिया मैंने। इस तरीके से बैटर तैयार करना है। तवा गरम किया मैंने और उसमें थोड़ा सा घी लगाकर 2 कलछुल मैंने बैटर फैला दिया है। उसके बाद 5 मिनट में ढक के छोड़ दूंगी, और ये सारा प्रोसेस ना एकदम मीडियम फ्लेम पे होगा। 5 मिनट बाद मैंने पलटा है इसको, तो ये देखिए इस तरीके से बन गया। और उसके बाद मैंने इसमें पिज्ज़ा सॉस और सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया है। और ये देखिए, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, आपके पास और भी कुछ सब्जियां हो तो डाल सकते हैं, कॉर्न वगैरह, मेरे पास अभी जो था वही डाली। उसके बाद मैंने थोड़े ऑर्गेनो, पिज्ज़ा मिक्स और मोन्जरेला चीज़ वगैरह डाल करके, और मैं 5 मिनट वापस से इसको ढक दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं हटाऊंगी तो ये फटाफट से पिज्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि गेहूं के आटे का है और झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। जब भी संडे को या कोई छुट्टियों के दिन सबको कुछ अलग नाश्ता करने का मन करे तो आप ये फटाफट से बना सकते हैं। तो ये देखिए, पिज्ज़ा बन के एकदम तैयार हो गया है। और हाँ, 1.5 कप गेहूं के आटे से ना आप काफ़ी सारा पिज्ज़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए, पिज्ज़ा बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसको कट कर दे रही हूँ और सबको दे देती हूँ। और आपको अभी भी मन है तो थोड़ा सा ऊपर से भी आप ऑर्गेनो वगैरह डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी झटपट तैयार होने वाला नाश्ता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।